तो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन सेंट्रल ऑर्बिट स्टडी करेंगे और इसी में हम प्लेनेटरी मोशन भी पढ़ेंगे। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट किसे कहा जाएगा? जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन करे कि जिस फोर्स के तहत वो मोशन कर रहा है वो फोर्स हमेशा ही एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो। मान लीजिए फिक्स पॉइंट वो है और जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, पर यूनिट मास ले लेते हैं, अगर मास पार्टिकल का फिक्स है तो मास वेरी नहीं करेगा और फोर्स पर यूनिट मास यानी एक्सेलरेशन मान लीजिए एफ है जो कि ओ की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स हो गया। पार्टिकल इस फोर्स के तहत जो मोशन करेगा उसका जो पाथ होगा वो सेंट्रल ऑर्बिट कहलाएगा। सेंट्रल ऑर्बिट इसलिए क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो एक सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और इसके तहत जो पार्टिकल का पाथ होगा, जो उसकी ऑर्बिट होगी, उसे सेंट्रल ऑर्बिट कहा जाएगा। तो मान लीजिए कि पार्टिकल किसी समय पॉइंट आर थीटा पर है और ये मान लीजिए पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, फिक्स पॉइंट मान लिया हमने ओ है और जो इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे उनको अगर हम रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिकम्पोज करें तो हमें मालूम है कि रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होगा, रेडियल एक्सेलरेशन इज दिस, ये आप जानते हैं, और यहाँ पर जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो है माइनस एफ। एफ जो होगा वो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में यानी ओपी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये चूंकि ओ की तरफ है पी ओ डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन ले लेते हैं। तो ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जैसा कि आप जानते हैं होता है 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, और ये फोर्स है नहीं, जो एकमात्र फोर्स है वो ओ की तरफ डायरेक्टेड है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, यानी दूसरी किसी डायरेक्शन में जब फोर्स है नहीं तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो ये दो इक्वेशन आपको मिलेगी, ये रेडियल डायरेक्शन में है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। तो इससे हमको ये मिलता है, इक्वेशन टू जो है वी है आर स्क्वायर थीटा डॉट इज कांस्टेंट। ये क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेगी जब कोई पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मोशन करेगा, तो उसके लिए ये क्वांटिटी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर पार्टिकल मूविंग इन द सेंट्रल ऑर्बिट वी हैव आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डॉट रिप्रेजेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम ये प्रूव करेंगे कि सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करने वाले पार्टिकल का जो पाथ होता है यानी सेंट्रल ऑर्बिट वो एक प्लेन कर्व है,
यानी अगर कोई पार्टिकल स्पेस में मूव करेगा सेंट्रल फोर्स के तहत, यानी ऐसा फोर्स जो कि एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट सपोज ओ की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो जो पाथ होगा पार्टिकल का, जैसे हम सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं, वो एक प्लेन कर्व होगा, यानी वो स्पेस कर्व नहीं होगा, वो प्लेन कर्व होगा। तो पाथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व। इज अ प्लेन कर्व। इसे हम प्रूव करेंगे। पाथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व। तो मान लीजिए ये पाथ है उसका, किसी समय पॉइंट पी पर है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, और वो फिक्स पॉइंट जिसकी तरफ फोर्स डायरेक्टेड है वो ओ है। लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट एट एनी टाइम is OP is R. Is R. Then acceleration of the particle at any time is obviously this. ये आप जानते हैं, और यहां पर एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस वेक्टर के इंक्रीज करने की डायरेक्शन में है, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ है, इसलिए यहां पे माइनस साइन लगेगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन पी ओ, एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, and this is in the direction of PO, therefore this is the equation of motion. तो acceleration किसी समय ये होगा, this relation, where this is the unit vector in the direction PO. Now R cross this vector
is r cross this vector is obviously 0 because this and this vector are in same direction. Now ये जो वेक्टर होगा इसका रेट ऑफ चेंज ये होगा ये. अब ये दोनों वेक्टर सेम है इसलिए जीरो होगा और ये अभी हमने प्रूव किया इक्वेशन वन से ये जीरो होगा देयरफॉर दिस इज जीरो. ओके यूजिंग वन दिस इज जीरो. ये प्रूव करता है दिस शोज दैट दिस शोज दैट दिस वेक्टर इज कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉन्स्टेंट क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी हमने दिखाया कि ये जीरो है. दिस इज कॉन्स्टेंट. सपोज दिस इज एच दिस वेक्टर इज एच सपोज सो आर डॉट एच इज आर डॉट दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इज जीरो. So we have this. This is equation of a plane. इसका मतलब यह हुआ कि R का जो position vector, R जो central orbit के ऊपर कोई point है उसका जो locus है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है यानी पॉइंट आर इस तरीके से होगा. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है यानी कि ये पॉइंट जो है वो एक प्लेन के ऊपर होगा. थस पॉइंट पी पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है लाई ऑन अ प्लेन कर lie on a plane. Therefore, central orbit is a plane curve. R जो point था वो central orbit के ऊपर का point था और हमने दिखा दिया कि ये point हमेशा ही एक plane पे lie करता है यानी कि जो central orbit है यानी जो path है वो एक प्लेन में लाई करेगा. इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल ऑर्बिट एक प्लेन कर्व होगा ऐसा कर्व होगा जो कि एक प्लेन में लाई करेगा. देयरफॉर सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व. और यह जिस भी प्लेन में लाई करेगा वो प्लेन यह है वो ये प्लेन है. इस प्लेन पर वेक्टर एच नॉर्मल है
तो सेंट्रल ऑर्बिट जिस प्लेन में होगा उस पर नॉर्मल की डायरेक्शन एच की डायरेक्शन होगी। तो अभी तक आपको ये पता चला कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। सेंट्रल ऑर्बिट एक ऐसा कर्व है जो एक पार्टिकल का पाथ है, और शर्त यह है कि वो पार्टिकल जो है एक सेंट्रल फोर्स के तहत मोशन करेगा, यानी कि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो ऐसे पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सेंट्रल ऑर्बिट कहलाएगा। और अभी हमने प्रूव किया कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो एक प्लेन कर्व होगा। अब इसमें हम एक चीज और प्रूव करेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट,